हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो हमने बनाया हुआ है धनिए के ऊपर, यानी कि धना, जो खड़ा धना होता है उसका पानी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कौन कौन सी बीमारियों को ये ख़त्म करता है। हम आपको आज इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, आपको पता होगा हर घर में धना पाया जाता है। धनिया का जो इस्तेमाल होता है वो काफ़ी मात्रा में किया जाता है खाना बनाने के लिए। इसके बीजों का हम पाउडर बनाते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसके पत्तों को भी खाने के लिए, जो गार्निशिंग होती है ना, उसके लिए हम ज़रूर यूज़ करते हैं। इससे जो फ्लेवर होता है खाने में वो बहुत अच्छा निकल के आता है। टेस्ट के साथ साथ गाइस, धना हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे अगर हम रोज़ाना इसका पानी पीते हैं, सुबह जब खाली पेट अगर आप धने का पानी पियोगे तो आपको बहुत अच्छा साबित होगा, कई सारी बीमारियों को आपको छुटकारा ज़रूर दिलाएगा। तो गाइस, चलिए अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्हें की बनाने की प्रोसेस क्या है, धनिए का पानी बनाने की विधि। सो गाइस, आपको क्या करना है, रात में एक कप पानी लेना है। जो टी पीने वाला यानी कि चाय पीने वाला कप होता है ना, वो आपको ले लेना है और उसमें एक पूरा भर करके पानी ले लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डालना है इसमें एक चम्मच धनिया, जो बीज होते हैं धनिए के, मतलब जो खड़ा धना होता है उसे आपको डालना है। इसमें हमें पाउडर का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ खड़ा धना यूज़ करना है। तो भिगो करके आप ओवरनाइट रख दीजिए। तो गाइस, कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है, एकदम येलो येलो कलर का ये पानी बन जाएगा। फिर इसके सुबह आपको इसे छान लेना है, अच्छे से इनके बीजों को अलग कर देना है, फिर आप इस पानी को पीजिए। एंड गाइस, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आप इनके बीजों का इस्तेमाल डबल से कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, भिगो कर रखने के बाद भी इनका जो विटामिन होता है वो तो उतर जाता है पानी में, लेकिन फिर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन्हें सुखा लीजिए, फिर इसका पाउडर बना करके आप अपने खाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, एंड इसका जो पानी है आपको रोज़ सुबह उठ करके खाली पेट पीना है। ओके गाइस, तो अब हम आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाले हैं इनके फ़ायदों के बारे में। हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं गाइस, तो सबसे पहले हम उनके बेनिफिट लेते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स लेते हैं कि कौन कौन से इनके बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले इनके बेनिफिट्स बताएंगे। तो गाइस, धनिए से हम इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसमें हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है, तो धनिए से हम इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को कम करता है। साथ ही साथ अगर गाइस आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो डाइजेशन को भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। ये आपके डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं को भी काफ़ी दूर करता है। बस आपको इसे सुबह खाली पेट ले लेना है, इनका जो पानी है उसे आपको सुबह खाली पेट ले लेना है। ओके गाइस, तो वैसे आपको पता है कि धनिया में कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि इसमें विटामिन के होता है, सी होता है और ए भी होता है। भर भर के इसमें ये तीन विटामिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हमारे बालों को भी मजबूत बनाता है और इन्हें बढ़ने में भी मदद करता है। जो ये तीन हमने आपको विटामिन बताए हैं गाइस, कौन कौन से बताए हैं हमने, विटामिन के, विटामिन सी एंड विटामिन ए, तो ये तीनों हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपने बॉडी में, लेकिन आपको बाल बढ़ाने हैं, तो आप इसका यूज़ हमें बॉडी को निखारने के लिए भी कर सकते हैं, बालों को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, अगर आप धनिए का पानी रोज़ यूज़ करते हैं, रोज़ाना इसका सेवन करते हैं, तो इससे आपकी गठिए का दर्द भी चला जाता है। अगर आपको ऐसा कोई पेन है अपने स्टोमच में, तो आप इसे तुरंत हटा सकते हैं। ओके गाइस, तो यही थे इनके बेनिफिट्स और इनके साइड इफ़ेक्ट। ये हैं गाइस कि अगर आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा ही अगर आप इनका यूज़ करने लगोगे दिन में, तो इससे आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यानी कि आपको इसे दिन में सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है। अगर आप सुबह कर रहे हैं ऐसे, तो आप पूरे दिन में इसे यूज़ बिल्कुल भी ना कीजिए।
बस आपको सुबह ही करना है इनका यूज़। बाकी अगर आप ऐसे करोगे तो इससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपको कोई और दूसरी बीमारियां भी लग सकती हैं, इसलिए आप इसे सुबह यूज़ कीजिए। तो यही था हमारा वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा आने वाली न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।